हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ नुमरिक यूट्यूब चैनल पे। सप्लाई चेन आईटी फ्रेमवर्क क्या होता है, इसके बारे में, इस पूरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो जो सप्लाई चेन आईटी फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, वो मतलब प्रोवाइड करते हैं एक्सेस मतलब एंड रिपोर्ट मतलब रिपोर्टिंग ऑफ सप्लाई चेन ट्रांजैक्शन डाटा। ठीक है, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी होती है वो सप्लाई चेन में क्या करती है, एक मेन जो होती है रोल क्या करती है, परफॉर्म करती है। ठीक है, जैसे वो मैं भैया बोला कि ट्रांजेक्शन मतलब एक्सेस करने या फिर रिपोर्टिंग करने के लिए, ठीक है, सप्लाई चेन में जो ट्रांजेक्शन डाटा क्या करती है वो प्रोवाइड करती है। एडवांस सिस्टम लेयर लेवल ऑफ एनालिटिक्स दैट यूजेस ट्रांजेक्शन डाटा टू प्रोएक्टिवली इंप्रूव सप्लाई चेन परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी जो एडवांस सेल होते हैं सिस्टम लेयर का, ठीक है, लेवल ऑफ जो एनालिटिक्स होते हैं, ठीक है, उसमें मतलब यूज करते हैं जो भी ट्रांजेक्शन डाटा होते हैं उसमें मतलब प्रोएक्टिवली इंप्रूव कर देता है सप्लाई चेन और सप्लाई चेन क्या होती है, परफॉर्मेंस भी क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ आर सप्लाई चेन आईटी सिस्टम। ठीक है, जो इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, वो मतलब क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं एक फाउंडेशन जैसा। ठीक है, सप्लाई चेन में यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है वो क्या करते हैं, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, वहां पर फॉर्म्स क्या करते हैं, ऐसा फाउंडेशन। ठीक है, द सप्लाई चेन प्रोसेसेस क्या होते हैं, जो सप्लाई चेन में यानी कि प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है, इंटरनल सप्लायर चेन मैनेजमेंट हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, और इन सबको जो हैंडल करता है वो यानी कि ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट फाउंडेशन। ठीक है, यानी कि SRM, ISCM, CRM और TMF। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पहला जो पॉइंट यहां पर पॉइंट है वो ये है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि CRM क्या होता है। ठीक है, तो यानी कि द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस बिटवीन एन एंटरप्राइज एंड इट्स कस्टमर डाउन स्ट्रीम इन द सप्लाई चेन। ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो मतलब जो मतलब एंटरप्राइजेस और कस्टमर के बीच में जो होता है, ठीक है, ऐसी जो सप्लाई चेन होती है ये मतलब CRM के अंदर आता है, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर आता है। यानी मैनेजमेंट यानी कोई भी इंडस्ट्री, वहां से कोई प्रोडक्ट बनना तो वहां से और कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज यानी कि CRM के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि मार्केटिंग, यानी कि उसकी जो भी प्रोडक्ट बनना तो उसकी मार्केटिंग हो सके, सेलिंग यानी कि रिटेलर कर सके मतलब वो सेल हो सके अच्छे से, ऑर्डर मैनेजमेंट, कॉल और सर्विस सेंटर। ठीक है, यानी कि ऑर्डर मैनेजमेंट यानी कि ये मतलब ऐसा होता है कि मतलब ऑर्डर हो, ठीक है, यानी कि कोई भी अगर प्रोडक्ट रिड्यूस हो रहा तो तुम क्या कर सको, ऑर्डर कर सके, मंगा सको, या फिर ये सारी चीजें जो फैसिलिटी होती है वो ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर आती है। कॉल या सर्विस जो सेंटर होता है, यानी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो मतलब एक सर्विस सेंटर होना चाहिए जिससे आप क्या सको, अपनी प्रॉब्लम को हैंडल करवा सको, यानी कस्टमर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही तो अपने प्रॉब्लम को क्या कर सके, सॉल्व करा सके, तो सर्विस सेंटर भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी कि ISCM, इसके अंदर होती है यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, डिमांड प्लानिंग होती है, सप्लाई प्लानिंग होती है, फुलफिलमेंट होगा, फील्ड सर्विसेज होते हैं और देयर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन बिटवीन द ISCM एंड CRM माइक्रो प्रोसेसेस। ठीक है, यानी कि क्या होते हैं, यानी कि जितनी भी तरीके की प्लानिंग होती है, ठीक है, वो इंटरनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, और ये क्या होती है, एक स्ट्रांग इंटीग्रेशन जो होती है मतलब वो क्या होता है, मतलब CRM और ISCM, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर क्या होती है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये चीज होती है। ठीक, नेक्स्ट आता है सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि जो सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट होते हैं, यानी कि डिजाइन कोलैबोरेशन करना, सोर्सेस निगोसिएशन, बाय करना, सप्लाई कोलैबोरेशन, और देर इज अ नेचुरल फिट बिटवीन ISCM एंड SRM प्रोसेसेस। ठीक है, यानी कि इन सारे फैक्टर जो होते हैं वो सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बीच में आता है, चाहे डिजाइन का कोई प्रॉब्लम मतलब वो हो, कोलैबोरेशन हो, चाहे मैं सोर्सेस प्रोवाइड करना हो या फिर निगोसिएशन हो, निगोसिएट कर सको, चाहे कोई चीज सेलिंग मतलब बाई करना हो वो भी, और जब सप्लाई का वो हो, ठीक है, कोलैबोरेशन हो, तो ये सारे जो पॉइंट होते हैं वो सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट के
अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि द ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट फाउंडेशन, ठीक है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट फाउंडेशन होता है, यानी कि TMF, ठीक है, अर्ली मतलब ERP सिस्टम फोकस्ड ऑन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एंड प्रोसेसेस ऑटोमेशन, ठीक है, यानी कि जो ERP सिस्टम होती है वो क्या करती है, फोकस करता है, यानी जो भी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है, और जो प्रोसेस का ऑटोमेशन होता है, इस चीज पे क्या करता है, ERP सिस्टम क्या करता है, फोकस करता है। करंट फोकस ऑन इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग इन द थ्री माइक्रो प्रोसेसेस, ठीक है, यानी कि ये जो मतलब फोकस करता है, जो भी मतलब कि डिसीजन को इम्प्रूव कर सके, ठीक है, जो भी मतलब थ्री क्या है, माइक्रो प्रोसेसेस हैं, जो थ्री माइक्रो प्रोसेस हैं, यानी कि CRM हो गया, SRM और ISCM हो गया, इन तीनों में क्या करता है कि TMF क्या करता है, फोकस करता है, जिससे ये मतलब इम्प्रूव हो जाए। द ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट फाउंडेशन कोऑर्डिनेशन, ये हो गया, यानी कि सप्लाई चेन विजिबिलिटी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग होना चाहिए, फॉर कॉस्टिंग होना चाहिए, एंड रिप्लेसमेंट है, कोलेबरेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटेड, लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटेड, प्रमोशंस होना चाहिए। अब ये सारी चीजें जो है, ठीक है, यानी कि जैसे SRM हो गया, ISCM हो गया और CRM हो गया, ठीक है, ये सब करते हैं, इसको प्रो करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और इन सबको, यानी कि जैसे जैसे कंपनी है, ठीक है, सप्लायर हो गया और कंपनी हो गया और कस्टमर हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, इससे रिलेट होती है, और ये मतलब और ये सारी चीजें क्या होती है, इससे रिलेट होती है, यानी कि ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट फाउंडेशन से क्या होती है, रिलेट होती है, ठीक है। यानी इसमें रिस्क क्या होता है, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट इन IT, ठीक है, यानी जो इसमें रिस्क होता है वो क्या होता है, हाँ, इंस्टॉलिंग न्यू सिस्टम, ठीक है, यानी कि इंस्टॉल करना न्यू सिस्टम को, ये क्या होता है, एक रिस्क क्रिएट होता है। रिवाइज बिजनेस प्रोसेसेस, ठीक है, यानी कि रिवाइज करना बिजनेस प्रोसेसेस का, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इंटीग्रेशन, ये भी एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, प्रॉब्लम कैन शॉट डाउन द बिजनेस, ठीक है, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस, पावर आउटेज और वायरसेस, यानी कि वायरसेस से अपने सिस्टम को बचा के रखना, पावर का, यानी कि इन सारे चीजों में क्या होती है, बहुत ज्यादा पावर की नीड पड़ती है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर ग्लिचेस होते हैं, ये सारे पॉइंट क्या होते हैं, इनमें IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सप्लाई चेन में करते हैं, ये इश्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है, यानी कि रिस्क होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। द फ्यूचर ऑफ IT इन द सप्लाई चेन, ठीक है, यानी कि फ्यूचर क्या है, द 3M SCM माइक्रो प्रोसेसेस विल कंटिन्यू टू ड्राइव द एवोल्यूशन ऑफ इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, ठीक है, यानी कि जो तीनों क्या है, SCM यानी कि सप्लायर कस्टमर मैनेजमेंट के, ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसेस हैं वो कंटिन्यू क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं, ठीक है, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर का, ठीक। आइए यार, थ्री इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स होना चाहिए, क्या क्या होता है यहाँ पे, द ग्रोथ इन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर का ग्रोथ होना चाहिए वो एज अ सर्विस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ रियल टाइम डाटा, ठीक है, यानी कि अवेलेबिलिटी जो होनी चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट की किसी भी चीज की, वो रियल टाइम डाटा के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि हमेशा क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि इंक्रीज यूज ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी, यानी कि जिस भी बिजनेस में क्या होता है, इन मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या होती है, अगर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो वो जो भी मतलब बिजनेस होता है वो बहुत जल्दी क्या करता है, ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यह समझ सकते हो, जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग के ऐप वो हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर क्या करते हैं, हर कोई क्या करता है कि मोबाइल से ही शॉपिंग कर लेता है, ठीक है, तो मतलब सबके पास उससे बड़ी यानी कि लैपटॉप वगैरह की डिवाइसेस का नीड नहीं पड़ती, तो जहां पे मोबाइल टेक्नोलॉजी की यूज इजिली कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, बिजनेस काफी तेज ग्रो करता है, जो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो काफी तेज क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दूं, ठीक है, थैंक यू।